Well, shifting focus now to West Bengal, where Union Minister Debasree Chaudhuri was blocked and slogans were raised in Bengal's Raiganj. She was going there to promote Citizenship Amendment Act when she was apparently blocked. We'll go across to my colleague Surya Agni for the latest. These are the visuals on your screens right now as Union Minister was on a way to promote Citizenship Amendment Act, part of BJP's outreach program. Surya Agni, who's joining us on the phone line. Surya Agni, walk us through what has exactly happened. Has she now been allowed? Was stopped by a few people who were, you know, who didn't want her to be at that area promoting and going out to people and spreading what exactly CAA is. Now, as an outreach program, BJP throughout Bengal, they are going on a massive spree and they are reaching out to people and telling people what exactly CAA is, because, you know, even what Narendra Modi, the Prime Minister, stated, that people need to be aware of what the act basically is, because a lot of misinformation is being spread and people are being misled. Now, as an outreach program, the Union Minister and the MP of that particular area of Raiganj, Debasree Chaudhuri, was there. Her convoy was blocked. A lot of go-back slogans were hurled at her, but she made it through. Although she was stopped for a while, her security escorted her through that area, she went ahead with the program. This is not the first time that, you know, Debasree Chaudhuri, the Union Minister, faced... Surya Agni, just hold on. Sorry to interrupt you, but Union Minister Debasree is on the phone line right now. Minister, if you could hear me, thank you for speaking to Republic TV. Tell us what exactly has happened. Why were you being stopped from going ahead with this scheduled program? नहीं, मैं मेरा प्रोग्राम खत्म कर चुकी है. मेरा दो वर्ष में मेरा विजिट था घर घर जाके. जैसे विपक्ष ने गलत समझा रहे हैं इसको तोड़ने का और जैसे डर पैदा करने का कोशिश रखा है, इस डर को खत्म करने के लिए मैं घर घर दौरा किए और सब महिलाओं को, जो इलाका का नागरिक है, सिटीजन है, सबको समझाई मैंने. निकालने का समय कुछ लोग, टीएमसी का कुछ लोग, जैसा हल्ला मचाते हैं, इनका आदत बन गया है सबको रोकने का, सबको झूठ सहारा लेके, झूठे के सहारे लेके, जैसे इनका गंदा राजनीति चलता है आजकल, ऐसा कुछ करना, हल्ला करने का कोशिश किए है. और इनका कहना था हमको आधार कार्ड का जरूरत है, रात को 2 बजे तक हमको आधार कार्ड के लिए लाइन देना पड़े, हमको पोस्ट ऑफिस में ये करना पड़े, वो करना पड़े. मैं इनको समझाई कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको, आपको सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म फिलअप करना है, बस इतना ही है. कुछ दौड़ भाग जो आप लोग कह रहे हो वो कुछ नहीं है, आपको गलत समझा रहे. इसके ये जो आपका जो गलत कमी हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हम लोग आए हैं. और तब वो लोग मान गया, खुद ही रास्ता खुल गया. बे चौधरी, ये जो वीडियो हमारे पास है उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से कुछ वहां के स्थानीय पुलिस भी आपको रोकने की कोशिश कर रहा था. क्या बता सकते हैं कि किस तरह से पुलिस वहां पे थे और उसके बावजूद भी आपको कोई मदद नहीं मिला? पश्चिम बंगाल का ये आदत है, सिर्फ मुझे नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री जी को रोकने का कोशिश रहते हैं, आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में ऐसा ही होता है. मैं जब बुलबुल पीड़ित इलाका में दौरा की थी उसी समय भी ऐसा ही हुआ था पश्चिम बंगाल में. अभी आजकल पश्चिम बंगाल में ऐसा ही होता है. ममता बनर्जी क्या चाहती है इनको जानकारी नहीं है. वो चाहती है खुद जो चाहती है, उनका जो आदत है, जो आदत है लोगों को गलत समझा के राजनीति से फायदा लेने का, वही कर रही है. और एक सीएम के नाते इनको समझाना चाहिए था, जो लोगों को आश्वासन देना चाहिए था, उसके अलावा उन्होंने उसको छोड़ के उन्होंने गलत समझा रही है और लोगों को भड़का रही है. मेरा सरासर इनका ऊपर एलिगेशन है, अगर किसी का हार्ट ब्लॉक करके मौत हो जाए, अगर किसी का हार्ट अटैक हो जाए, ये डर के मरे कुछ लोग, तो इसका जो पूरा का पूरा जिम्मेदारी पूरा ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा. क्यों झूठ का सहारा लेके क्यों डर पैदा कर ले, क्यों ग्रामीण इलाका, जो गरीबी इलाका, जो कम लिखी पढ़ी इलाका है, उस जगह जाके क्यों गलत समझा रहे हैं? ये पहले ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है,
कुछ आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा। मिस चौधरी, ये सवाल भी हम करना चाहेंगे आपसे कि जब आप वहां पे पहुंचे तो क्या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए थे और आपको रोकने की कोशिश किया जा रहा था कि आप वहां पे अपने प्रोग्राम को अटेंड नहीं करें, या आपके प्रोग्राम में ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ रुकावट लाने के लिए? रुकावट करने का कोशिश किया, लेकिन मेरा जो कार्यक्रम था पूरा हो चुकी थी, और जो ममता बनर्जी जिंदाबाद तृणमूल जिंदाबाद वही नारा लगा लेते वो सब लोग, और कुछ महिलाओं को गलत समझा के इन्होंने भेजा, ऐसा इनका आदत है ऐसे ही करते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुछ दिन में लोगों जनता को पता चल जाएगा असली क्या है, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कुछ दिन हमारे सभी कार्यकर्ता मंत्री नेता लेंगे सभी पदाधिकारी सब लोग रास्ते में उतरे घर घर जा रहे हैं, सभी लोग समझा रहे हैं और जनता भी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि इसका अंदर जो है इसमें सिर्फ राजनीति हो रहा है। विपक्षी आज भारत वर्ष में पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ खिलाफ कुछ नहीं एलिगेशन नहीं ला पा रहे, इसलिए ये गंदा राजनीति के सहारा लेना पड़ा है, और इसमें छात्रों को भी यूनिवर्सिटी में उतार दिया है। इसी गंदा राजनीति से विपक्ष पूरा के पूरा खत्म होने वाला है। मोदी जी और गृह मंत्री जी जो ये कानून लाए हैं बनाए हैं उसके आधार पर जो बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान से आए हुए उधर का जो संख्या लोग है माइनॉरिटीज है इनको शरण और नागरिकता दिया जाएगा ये फैसला हो गया है। धन्यवाद देवश्री चौधरी। That was Union Minister Debasree Chaudhuri speaking to Republic TV and clearly training her guns at West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, alleging that it was Trinamool Congress workers who stopped her when she was on her way out from a program, outreach program on Citizenship Amendment Act.